सो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद सेशन 3। ये कंसेप्ट समझने के लिए इस फंक्शन को कंसिडर करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। सो दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सपोज करो ये एफ एक्स की जगह पे हमने लिख दिया वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। अब अगर आप x के अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो आपको y के अलग अलग वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये x और y के अलग अलग वैल्यूज पॉइंट फॉर्म में लिखते हो, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हो और वो पॉइंट्स ज्वाइन करते हो, तो आपको एक क्वाड्रेटिक कर्व मिलता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक कर्व मिलता है। नाउ ये जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आप x का वैल्यू माइनस वन पुट अप करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x को माइनस वन पुट किया तो यहाँ पे आएगा माइनस टू इंटू माइनस फोर, सो दैट इज एट। x का वैल्यू अगर हम लोगों ने जीरो पुटअप किया तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन इंटू माइनस थ्री विच इज़ थ्री। फिर x का वैल्यू वन पुटअप करो, y का वैल्यू ज़ीरो। x का वैल्यू टू पुटअप करो, y का वैल्यू वन इंटू माइनस वन विच इज़ माइनस वन। एंड x का वैल्यू फिर आप थ्री पुटअप करो, y का वैल्यू ज़ीरो। x का वैल्यू फोर पुटअप करो, y का वैल्यू थ्री इंटू वन विच इज़ थ्री। तो अगर आप ये पॉइंट्स बनाते हो, x इज माइनस वन वाई इज एट, x इज ज़ीरो वाई इज थ्री, x इज वन वाई इज ज़ीरो, देन x इज टू वाई इज माइनस वन, x इज थ्री वाई इज ज़ीरो, x इज फोर वाई इज थ्री। ये पॉइंट्स अपने को मिल गए, तो माइनस वन कॉमा एट, तो रफली ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, x इज माइनस वन वाई इज एट, ज़ीरो कॉमा थ्री एक्स इज ज़ीरो वाई इज थ्री, वन कॉमा ज़ीरो एक्स इज वन वाई इज ज़ीरो, टू कॉमा माइनस वन, जब x का वैल्यू टू है तो y का वैल्यू माइनस वन। तो यहाँ पे मान लो x माइनस वन है, y एट है, x ज़ीरो है, तो ये पॉइंट क्या होगा, माइनस वन कॉमा एट। ये पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो कॉमा थ्री। ये पॉइंट क्या होगा, वन कॉमा ज़ीरो, दिस इज एक्स इज टू वाई इज माइनस वन, और फिर एक्स इज थ्री वाई इज ज़ीरो, और फिर एक्स इज फोर वाई इज थ्री। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, अच्छा ये तो हमने कुछ ही एक्स के वैल्यूज़ लिए ना, कुछ ही एक्स के वैल्यूज़ लिए, आप ऐसे इन्फिनाइट वैल्यूज़ ले सकते हो, वो सारे इन्फिनाइट वैल्यूज़ पुट करते हो तो y के भी इन्फिनाइट वैल्यूज़ मिलेंगे, उन सबको ज्वाइन करोगे तो आपको एक ऐसा कर्व मिलता है लाइक दिस। सो दिस पर्टिकुलर शेप इज नोन एज पैराबोला। तो पैराबोला के शेप्स कैसे होते हैं, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा, ऐसे टाइप के कर्व को बोलते हैं पैराबोला। सो हमने क्या किया, सिंपल एक क्वाड्रेटिक लिया, उसके अलग अलग पॉइंट्स निकाले, पाँच छः पॉइंट्स निकालो, आप उसको ज्वाइन करके देखो, आपको शेप मिल जाएगा उस ग्राफ का। अच्छा अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब आप एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लिखते हो या वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लिखते हो, तो इसी वजह से क्या होता है, ये टर्म पूरा ज़ीरो बनता है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो बनता है। यहाँ से एक्स का वैल्यू वन आता है, एक्स का वैल्यू थ्री आता है, और ये वन और थ्री क्या है, इसके ज़ीरोज़ है। मतलब जब फंक्शन ज़ीरो बन गया, मतलब y ज़ीरो बनता है, y की जो वैल्यू है वो ज़ीरो बन गई, तो ये वन और थ्री पे y ज़ीरो बनता है। ओके तो अब जब आप इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो लिखते हो, जब इसको इक्वल टू ज़ीरो लिखते हो, तब ये क्या बनता है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फ़र्क है इसमें क्या है, ये ग्राफ है जिसके इन्फिनाइट पॉइंट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ज़ीरो बने तो इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अगली ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पे ये करनी है कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज़ सिक्सटीन माइनस फोर इंटू वन इंटू थ्री, सो दैट इज़ फोर पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ हमको नोट करनी है
ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने लिखा, इसका जो पहला स्टार्टिंग का टर्म है वो क्या है? वन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन जनरल कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है ना। तो ये जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसको ए बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे ए क्या है? वन है, मतलब एफ है। कुछ चीज़ें हमको अब ऑब्जर्व करते रहनी है, मैं ऐसे बहुत केसेस अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो हर केस में हम लोग उसका ग्राफ, उसका डिस्क्रिमिनेंट और उसका ए, ये तीन चीज़ें हम लोग नोट करेंगे। तो ग्राफ देखो ऐसा है, दो जगह पे कट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पहला केस हो गया, दिस इज केस वन। अब आते हैं केस टू पे। केस टू, नाउ इन केस टू लेट अस टेक द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाइक एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, जैसे पहले हमने लिया, बट यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको एक्सपांड कर दो तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री। फाइन, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे नोटवर्दी चीज़ क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ए इज नेगेटिव। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसका प्लॉट बनाएंगे, फिर वही पॉइंट्स लेंगे। अभी मैं थोड़े फास्ट कैलकुलेशंस करूँगा। देखो, अगर आप x का वैल्यू माइनस वन पुट करते हो, तो x का वैल्यू माइनस वन अगर हम लोग लें तो y का वैल्यू क्या आएगा? सो यहाँ पे आएगा माइनस टू माइनस फोर, माइनस टू इंटू माइनस फोर इज एट, एट इंटू माइनस इज माइनस एट। तो जब, चलो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, x का वैल्यू अगर आप माइनस वन लेते हो तो y का वैल्यू एट आता है, यहाँ से कैलकुलेट करके। फिर x का वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा? y इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस वन माइनस थ्री, तो y का वैल्यू कितना आएगा? माइनस थ्री। यहाँ पे y का वैल्यू माइनस एट, यहाँ पे माइनस थ्री। x का वैल्यू वन पुट करो, y का वैल्यू ज़ीरो। x का वैल्यू टू पुट अप करो तो y का वैल्यू माइनस ऑफ वन इंटू माइनस वन विच इज़ वन। फिर x का वैल्यू थ्री पुट अप करेंगे, y का वैल्यू ज़ीरो। और फिर x का वैल्यू फोर पुट अप करेंगे, y का वैल्यू माइनस ऑफ थ्री इंटू वन विच इज़ माइनस थ्री। जैसे हमने पहले केस में किया वैसे हमने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए। x का वैल्यू माइनस वन तो y का वैल्यू माइनस एट। अच्छा, तो ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ नीचे की तरफ है, x का वैल्यू माइनस वन y का वैल्यू माइनस एट। उसके बाद x का वैल्यू ज़ीरो y का वैल्यू माइनस थ्री, एक्स का वैल्यू ज़ीरो y का वैल्यू माइनस थ्री। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। फिर x का वैल्यू वन y का वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पे x का वैल्यू वन y का वैल्यू ज़ीरो। उसके बाद x का वैल्यू टू y का वैल्यू वन, x का वैल्यू टू y का वैल्यू वन। उसके बाद x का वैल्यू थ्री y का ज़ीरो, x का वैल्यू फोर y का वैल्यू माइनस थ्री। फाइन, तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स ऐसा। तो ये क्या है? देखो, पहला ग्राफ ऐसा था, यू शेप्ड। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो ग्राफ है इसको हम लोग नेम करेंगे, दिस इज़ यू शेप्ड पैराबोला, दिस इज़ यू शेप पैराबोला। और ये क्या है? इन्वर्टेड यू शेप, इन्वर्टेड U shape, the parabola। फिर से एक नोटवर्दी चीज़ यहाँ पे ये है कि दो जगह पे ये x एक्सिस को जो कट, ये जो कर्व है कट कर रहा है, x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। यहाँ पे भी क्या था? देखो, ये कर्व x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा था, यहाँ पे भी दो जगह पे कट कर रहा है। अगेन, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो दिस इज 16 माइनस फोर विच इज, सॉरी 16 माइनस फोर इंटू थ्री, 16 माइनस ट्वेल्व विच इज़ फोर, स्टिल पॉजिटिव। तो इस कर्व के लिए भी जब वो दो जगह पे कट कर रहा है और उल्टा है, इन्वर्टेड यू शेप है, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। नोटवर्दी एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि ए जो स्टार्टिंग का कोएफिशिएंट होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्या है? ए नेगेटिव है, सो ए इज़ नेगेटिव।
तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कर्व दो जगह पे कट कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, एंड इन्वर्टेड यू शेप बनाने के लिए ए नेगेटिव होता है। ए अगर पॉजिटिव हो, देखो जैसे यहाँ पे ए पॉजिटिव होता है तो ऐसा शेप होता है, ए नेगेटिव है तो ऐसा शेप आता है, ठीक है। तो ये दो केसेस आपको याद रखने हैं। लेट अस नाउ कम टू केस थ्री। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन दोनों फैक्टर्स हमने क्या किए, सेम ले लिए क्वाड्रेटिक के। इसको जब एक्सपांड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, पहले तो ए क्या है यहाँ पे, ए पॉजिटिव है, ए मतलब ये स्टार्टिंग का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो दिस इज फोर माइनस फोर, डिस्क्रिमिनेंट इज ज़ीरो। और अब देखते हैं इसका शेप। अच्छा तो अब क्या करें, इसको ऐसा लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू माइनस वन लो, वाई का वैल्यू फोर, एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट करो, वाई का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू वन पुटअप करो, वाई का वैल्यू ज़ीरो, एक्स का वैल्यू इसमें टू पुटअप करो तो वाई का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू थ्री पुटअप करो तो वाई का वैल्यू फोर। तो रफली बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिल गए, आराम से इसका प्लॉट हम लोग बना सकते हैं। सो एक्स इज माइनस वन वाई इज फोर, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आएगा, एक्स इज ज़ीरो वाई इज वन, एक्स इज ज़ीरो वाई इज वन यहाँ पे आएगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स इज वन वाई इज ज़ीरो, एक्स इज वन वाई इज ज़ीरो, एक्स इज टू वाई इज वन, एक्स इज टू वाई इज वन यहाँ पे कहीं आएगा, एक्स इज थ्री वाई इज फोर, एक्स इज थ्री वाई इज फोर। तो जब आप इन सबको ज्वाइन करोगे इट लुक लाइक दिस। ये इतना शार्प नहीं होता, ऐसे यू शेप ही होता है। और क्या है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस को बस टच करके जा रहा है, दो जगह पे कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो शेप है इसके लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा एंड ए इज पॉजिटिव। दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। देन कम्स केस फोर। केस फोर में हम लोग देखो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू यही एक्सप्रेशन लेंगे बट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, ऐसे बेसिकली ये क्या है, ये है माइनस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। अगेन यहाँ पे जो नोट करने जैसी चीज़ें हैं वो क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए ये क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो दैट इज़ ज़ीरो, अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज ज़ीरो, फाइन। तो इसका प्लॉट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको उसके लिए पॉइंट्स लगेंगे ऐसे काफ़ी सारे, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू लेते हैं माइनस वन, वाई का वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ पे माइनस फोर, एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं, वाई का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू वन पुटअप करते हैं, वाई का वैल्यू ज़ीरो, एक्स का वैल्यू टू पुटअप करते हैं तो यहाँ पे आएगा वाई का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू थ्री पुटअप करते हैं तो वाई का वैल्यू माइनस फोर, यहाँ पे आएगा माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस वन। सो देखो ग्राफ के वैल्यूज़, वाई के वैल्यूज़ नेगेटिव है, एक्स के कोई भी वैल्यू घुमाना स्टार्ट कर, चलो इसको प्लॉट करते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस वन, वाई का वैल्यू माइनस फोर, एक्स इज माइनस वन वाई इज माइनस फोर, एक्स इज ज़ीरो वाई इज माइनस वन, एक्स इज ज़ीरो वाई इज माइनस वन, एक्स इज वन वाई इज ज़ीरो, एक्स इज वन वाई इज ज़ीरो, एक्स इज टू वाई इज माइनस वन, एक्स इज टू वाई इज माइनस वन, एक्स इज थ्री वाई इज माइनस फोर, एक्स इज थ्री वाई इज माइनस फोर। सो जब आप इसको प्लॉट करोगे इट विल लुक लाइक दिस। ये फिर से इस जगह पे इस पॉइंट पे कट करके निकल रहा है। अच्छा ये इस टाइप का ग्राफ कब क्यों हुआ, क्योंकि ए नेगेटिव है, या जब कभी ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ उल्टा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक ही जगह पे कट कर रहा है ना, दो जगह पे कट नहीं कर रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ग्राफ दिया हुआ हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा ए नेगेटिव होगा, और अगर ये दिया कि ए नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है तो आप ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको जो चीज़ें हैं ये क्लियर होनी चाहिए बस, ठीक है, ग्राफ और ए और डी
इस पे जो कंडीशन है वो क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं केस फाइव पे। केस फाइव, तो केस फाइव में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ये लेते हैं। तो इसमें क्या है, a पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो दिस इज फोर माइनस एट विच इज माइनस फोर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो a पॉजिटिव आया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सी अगर आप इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप माइनस वन लेके देखो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, वन प्लस टू प्लस टू विच इज़ फाइव। फिर x का वैल्यू आप ज़ीरो पुट करके देखो, y का वैल्यू टू, x का वैल्यू वन पुट अप करके देखो, y का वैल्यू वन माइनस टू प्लस टू विच इज़ वन, x का वैल्यू टू पुट अप करके देखो, y का वैल्यू फोर माइनस फोर प्लस टू विच इज़ प्लस टू, फिर x का वैल्यू थ्री पुट अप करके देखो, y का वैल्यू नाइन माइनस सिक्स प्लस टू, सो दैट इज़ इक्वल टू फाइव। तो रफली अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। इसको प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू माइनस वन, y का वैल्यू फाइव, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट माइनस वन कॉमा फाइव। एक्स का वैल्यू ज़ीरो, वाई का वैल्यू टू, एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू टू, वाई का वैल्यू टू, एक्स का वैल्यू थ्री, वाई का वैल्यू फाइव, तो जब आप इसको प्लॉट करोगे, ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ होता है। ये एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं है, ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा ऊपर ही रहता है। अच्छा, तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा उसमें क्या है, पहले तो ये यू शेप है, तो ए क्या होगा, पॉजिटिव, फिर कट नहीं कर रहा, हमने अभी देखा ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, कट नहीं कर रहा तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हो कि वाई हमेशा पॉजिटिव है। देखो वाई मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स की कोई भी कोऑर्डिनेट लगाओ y हमेशा ऊपर ही दिखेगा, y हमेशा पॉजिटिव है। ये देखो, ऐसे आप इन्फिनिट वैल्यूज लेके देखो x के, y हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा भी क्यों हो रहा है, देखो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वन, ये टू को हम लोग वन प्लस वन लिख सकते हैं, सो दिस इज x माइनस वन स्क्वायर प्लस वन। तो अब बताओ, ये वन पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव, तो y हमेशा पॉजिटिव, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है, जब ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ऊपर से निकल रहा है, और ये यू शेप है, तो ए पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस यू हैव टू रिमेंबर। केस सिक्स, नाउ वील टेक द ऑपोजिट ऑफ दिस, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, ये ले लेते हैं। यहाँ पे ए डेफिनेटली क्या है, नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो दैट इज माइनस फोर, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब हम लोग इसका प्लॉट बनाते हैं। अगर आप y का वैल्यू, x का वैल्यू माइनस वन रखते हो, तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस फाइव, बिल्कुल इसके उल्टे आएंगे ना, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। x का वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो y का वैल्यू माइनस टू, x का वैल्यू वन रखोगे तो y का वैल्यू माइनस वन, x का वैल्यू टू रखोगे तो y का वैल्यू माइनस टू, x का वैल्यू थ्री रखोगे तो y का वैल्यू माइनस फाइव। सो व्हेन यू प्लॉट इट, आपको ऐसे मिलेगा, x का वैल्यू माइनस वन, y का वैल्यू माइनस फाइव, x का वैल्यू ज़ीरो, y का वैल्यू माइनस टू, x का वैल्यू वन, y का वैल्यू वन, x का वैल्यू टू, y का वैल्यू माइनस टू, x का वैल्यू थ्री, y का वैल्यू माइनस फाइव। अगेन इफ़ यू जॉइन इट, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे a क्या है, नेगेटिव, a नेगेटिव मतलब ग्राफ उल्टा होगा, ये कट ही नहीं कर रहा, इसके रूट्स ही नहीं है, रूट्स नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो रूट्स नहीं होंगे। और यहाँ पे आप y हमेशा क्या देख रहे हो, y हमेशा नेगेटिव है, तो y इज़ ऑलवेज नेगेटिव। सो ये टाइप का जो ग्राफ है उसमें ये तीन चीज़ें होती है, इस टाइप के ग्राफ में ये तीन चीज़ें होती है, मैंने यहाँ पे लिखी ये वाली।
सो दीज सिक्स केसेस यू शुड बी वेरी क्लियर विथ. मैं सारे के सारे जो केसेस है वो एक पेज पे रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं केस वन से. केस वन, अगर तो कर्व ऐसा हुआ, दो जगह पे कट कर रहा है, यू शेप है तो ए पॉजिटिव, दो जगह पे कट कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव. केस टू, ऐसा ही ग्राफ बट एक ही जगह पे कट कर रहा हो तो यू शेप है इसलिए ए पॉजिटिव, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके दोनों रूट्स रिपीटेड है तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो. दूसरा केस थ्री, अगला केस थ्री, वो ऐसा लेते हैं कट ही नहीं कर रहा बिकॉज यू शेप है तो ए पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव क्योंकि रूट्स नहीं है इसके, और वाई हमेशा क्या दिख रहा है, वाई हमेशा पॉजिटिव है. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. केस थ्री हो गया. अभी केस फोर, ये ऐसा ग्राफ, ये उल्टा आता है मतलब ए नेगेटिव, दो जगह पे कट कर रहा है मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव. उसके बाद केस फाइव, ये इस टाइप का ग्राफ, एक ही जगह पे कट करने वाला, ए नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो. उसके बाद केस सिक्स, इस टाइप का ग्राफ कट ही नहीं कर रहा, इसमें ए नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, वाई हमेशा नेगेटिव, वाई हमेशा नेगेटिव में लाई कर रहा है. इन ग्राफ्स में याद रखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा क्योंकि रूट्स नहीं है इसके. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आने पे रियल रूट्स आते हैं, यहाँ पे इसके रूट्स ही नहीं है. ग्राफ कभी कट करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को. सो दीज आर द सिक्स केसेस, इसको अच्छे से याद रखो. अब ये सारी चीज़ें देखो आपके बुक में यहाँ पे दी हुई है. ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये ऐसा कर्व देखो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ए पॉजिटिव, ये कर्व. तो ये जो छः केसेस हैं यहाँ पे डिस्कस्ड हैं, फाइन. नाउ द फॉर्मल थिंग दैट वी हैव टू डू नाउ इज फॉर दीज सिक्स केसेस इज दिस, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको. सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. तो जो एक्स का कोएफिशिएंट है बी अपॉन ए, उसका हाफ करेंगे तो हाफ बी अपॉन ए, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/4 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1/4 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. दिस इज ए, पहले तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन गए, एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर. फिर इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 4a स्क्वायर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 4a 4a मल्टीप्लाई कर दो तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर ये आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय टू ए द होल स्क्वायर एंड माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर. ऐसे टर्म्स आ गए. दिस इज वाई इक्वल टू, सो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल टू ए टाइम्स कैपिटल x. तो दिस इज कैपिटल x स्क्वायर माइनस इस, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है सो डिस्क्रिमिनेंट बाय 4a स्क्वायर. a को कॉन्स्टेंट करते हैं तो y इज इक्वल टू a टाइम्स कैपिटल x स्क्वायर माइनस d बाय 4a, और इस d बाय 4a को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो y प्लस d बाय 4a इज इक्वल टू a कैपिटल x स्क्वायर. तो इसको हम लोग लिख देते हैं कैपिटल y, तो कैपिटल y इज इक्वल टू a टाइम्स कैपिटल x स्क्वायर. ये एक कर्व की इक्वेशन आ गई, फाइन. अच्छा यहाँ पे कैपिटल y क्या है वो भी लिख देते हैं. कैपिटल y है स्मॉल y प्लस d बाय 4a एंड कैपिटल x क्या है, कैपिटल x है x प्लस, ये देखो कैपिटल x क्या था, x प्लस b बाय 2a. सी नाउ ये वाला जो ग्राफ है, अगेन दिस इज़ अ पैराबोला. अगर तो a पॉजिटिव है ठीक है,
ठीक है, पहला केस पकड़ते हैं, ए पॉजिटिव और एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके वाई के वैल्यूज़ निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो एक्स का वैल्यू आपने ले लिया प्लस वन, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, ए। एक्स का वैल्यू आप ले लो ज़ीरो, तो वाई का वैल्यू भी ज़ीरो। फिर एक्स का वैल्यू माइनस वन पुट अप करो, तो वाई का वैल्यू स्टिल ए आएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू माइनस वन तो वाई का वैल्यू ए, एक्स का वैल्यू ज़ीरो तो वाई का वैल्यू ज़ीरो, एक्स का वैल्यू तब वन तब वाई का वैल्यू ए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप इसके कंसीडर करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको एक पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज़ वाई इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स स्क्वायर। फाइन, नाउ ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वाई भी ज़ीरो हो रहा है एंड एक्स भी ज़ीरो हो रहा है। ये ओरिजिन है ना, ये कैपिटल एक्स एक्सिस है और ये कैपिटल वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अब आप कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स को ज़ीरो पुट करो तो आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मिल जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये आगे आने वाली है। ये स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, उसमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। बट अभी बस बहुत सिंप्लीफाई लेवल पे हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो यहाँ पे होता है। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को ज़ीरो ज़ीरो पुटअप करो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू वाई प्लस डी बाय फोर ए एंड ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाय टू ए। तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी बाय टू ए एंड वाई की वैल्यू आएगी माइनस डी बाय फोर ए। ये स्मॉल एक्स अपने पास आ गए। कहने का मतलब, जो पैराबोला मैंने हर बार आपको छः केसेस में ड्रॉ करके दिखाया है, ये जो पैराबोला होता है और उसका ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व चेंज होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब जाता है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स इज माइनस डी बाय टू ए एंड वाई इज माइनस डी बाय फोर ए। ऐसा शेप हो या ऐसा शेप हो, दिस पॉइंट, दिस टर्निंग पॉइंट इज ऑलवेज माइनस बी बाय टू ए माइनस डी बाय फोर ए। बस ये चीज़ें मुझे बतानी थी, ठीक है। फाइन, तो अब इसके क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा और जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगी ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ्स है वो कैसे दिखते हैं।